तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ, और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान मूवी का 6 डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रोडक्शन करने वाले हैं। दोस्तों अब तक के 6 दिन के क्या हाल चल रहे हैं दोस्तों कलेक्शन के बारे में, बाकी कई सारी बातें दोनों मूवी के बारे में करने वाले हैं। अब तक की कितनी ऑक्युपेंसी चल रही है दोस्तों, कितना कलेक्शन कर सकते हैं भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो, बाकी कई सारी बातें इस मूवी के बारे में करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए चैनल सपोर्ट करें। दोस्तों आप सबको तो पता है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान मूवी के मेकर्स हैं, उन्होंने जो उम्मीद लगाए बैठी थी दोनों फिल्मों से, दोनों फिल्म भाई डब्बा बंद हो चुकी है। कहने का मतलब है कि भाई दोनों फिल्में डिजास्टर साबित हो चुके दोस्तों, भाई दोनों फिल्मों का बीपी गिर चुका है और भाई कोई सी भी दवाई इनकी उठा नहीं सकती इस बीपी को। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ का। दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ का दिन है ट्यूसडे का, जो कि भाई काफ़ी ख़तरनाक किस्म की इसकी जो एडवांस बुकिंग है ज़्यादा खास नहीं हुई थी, तकरीबन 245,000 रुपये की इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी। और दोस्तों इसकी जो मोनी ऑक्युपेंसी है तकरीबन 6.8% है, ये काफ़ी ज़्यादा कम है। इसका मतलब यह है कि भाई मूवी ज़्यादा कलेक्शन नहीं करने वाली। फिलहाल दोस्तों जो आफ्टरनून है वो है 9.48%, इवनिंग जो है वो है दोस्तों भाई साहब 60.40%। दोस्तों यहाँ पर जो ऑक्युपेंसी निकल के सामने आ रही है ये साबित करती है कि भाई ये जो मूवी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ कुछ ज़्यादा खास कमाल नहीं करने वाली दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। फिलहाल दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी तकरीबन 2 करोड़ के आसपास दोस्तों कलेक्शन करेगी, 1 करोड़ 80 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच में दोस्तों कलेक्शन करेगी 100%। फिलहाल दोस्तों यहां पर देखा जाए तो मेरा प्रेडिक्शन यही है, और आपका प्रेडिक्शन क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात करें भाई, इसने जो सिर्फ पहले दिन 15 करोड़ कलेक्शन कर रहा, दूसरे दिन 7 करोड़ 6 लाख रुपये, तीसरे दिन 8 करोड़ 5 लाख रुपये, और चौथे दिन दोस्तों 9 करोड़ 5 लाख रुपये, जो कि संडे के दिन था भाई। कोई भी मूवी मरी हुई हो वो भी कमा लेती है संडे के दिन। उसके बाद भाई मंडे के दिन इसका बीपी गिरा, जो कि भाई साहब 2 करोड़ 5 लाख रुपए पर आ गया। वही छठे दिन दोस्तों भाई साहब मुझे ऐसा लगता है भाई 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ 80 लाख के बीच में दोस्तों कलेक्शन कर पाएगी, क्योंकि भाई ये मूवी बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हो चुकी है। अब बात करते हैं भाई बड़े मियाँ, वो अब बात करते हैं भाई मैदान मूवी की। मैदान मूवी का भी दोस्तों दिन है ट्यूसडे का, जो कि भाई काफ़ी अच्छी एडवांस बुकिंग नहीं हुई इसकी, जो कि भाई मुझे ऐसा लगता है भाई 20,000 के करीब इसकी एडवांस बुकिंग हुई है, और इसकी जो मोनी ऑक्युपेंसी है तकरीबन 6.8%, और आफ्टरनून ऑक्युपेंसी 9.71%, और इवनिंग ऑक्युपेंसी है दोस्तों 4.40%। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है भाई इसकी जो ऑक्युपेंसी निकल के सामने आ रही है यही साबित करती है कि भाई ये मूवी ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। इसी के हिसाब से इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई थी डे 6 की तकरीबन 25,000 के करीब इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी, और ये जो कलेक्शन करने वाली है दोस्तों भाई साहब मुझे ऐसा लगता है भाई ये जो मूवी है तकरीबन 1 करोड़ के आसपास ही कलेक्शन कर पाएगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी आपका प्रेडिक्शन क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों वो लोग कहाँ चले गए जो सीना ठोक के बोल लेते हैं कि भाई हमारी जो मूवी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ वो 1100 करोड़ कमाएगी 100%। भाई साहब कहाँ है 1100 करोड़ रुपए? दोस्तों भाई साहब मैंने पहले भी कहा था कि भाई 1100 करोड़ कमाना हलवा नहीं है, कि भाई 1100 करोड़ बोलने से पहले एक्टर भी 1100 करोड़ का होने वाला चाहिए दोस्तों, इस तरह की बातें बताई जा रही है। बाकी आप उस इंसान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, आप सबको तो पता है कि भाई किसने कहा था कि भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ 1100 करोड़ 100% कमाएगी, उस इंसान के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल सब्सक्राइब, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों।